हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो मैं काम करने जा रही हूँ फ्रेंड, वो बहुत अच्छा काम है। फ्रेंड, हमारे घरों में क्या होता है, इस तरीके से पैकिंग वाले डिब्बे आते हैं, कभी मिठाई या खाना आता है बाहर से पैक करके, तो इस तरीके के डिब्बे बहुत सारे खाली हो जाते हैं। फ्रेंड, आज जो मैं करने जा रही हूँ वो कोई भी कर सकता है। फ्रेंड, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम यूज नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड, आज इसी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। और अगर फ्रेंड वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा, ताकि और भी जो पौधे के लवर हैं, पौधे से प्रेम करते हैं, अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो वो बिना खर्च के भी पौधे लगा सके अपने घरों में। फ्रेंड, सवाल ये उठता कि हम इसको होल कहाँ करें ताकि मेरा पानी जो आसानी से निकल सके। फ्रेंड, इस तरीके का अगर डिब्बा होता है जिसके देखिए थोड़े से किनारे में ये उठे हुए हैं, तो इसी के लिए हमको सोचना है फ्रेंड कि कहाँ हमको होल करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं बता देती हूँ आपको कहाँ होल करना है। अब मैं करके भी दिखा दे रही हूँ आपको, ताकि आप भी कोई पौधा लगाएं तो आसानी से लगा सके। फ्रेंड, आपको जब भी होल करना है ये इस वाले पोर्शन पे होल करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा छोड़ करके फ्रेंड आपको यहाँ पे होल करना है। ये देखिए, थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे होल करेंगे तो आपका पौधे का पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा और पौधा भी हेल्दी बना रहेगा। तो फ्रेंड, अभी मेरे को होल करने के लिए भी ऐसे नहीं करना, कोई भी चीज़ आपको गर्म करनी है, गर्म करके इसमें छेद करना है, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ करके। यहाँ भी कर सकते फ्रेंड, यहाँ ना करने का रीजन क्या है, जब इसको आप इस तरीके से रखेंगे तो ये जमीन में चिपक जाता है, जब जमीन में चिपक जाएगा तो इसका पानी जो है नहीं निकलेगा ठीक से। इसलिए मैं बोल रही हूँ इसका होल जो है साइड में अगर करेंगे तो इसका पानी बहुत अच्छे से निकलेगा। अभी फ्रेंड मैं करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने गरम किया है और गरम करके ये मैं गोल गोल घुमा रही हूँ। अभी ये खास से ठीक से बन नहीं रहा फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से आपको होल करना है ताकि आपके पानी जो है आसानी से निकल। थोड़ा दूर दूर पे करना है, चार होल करेंगे तो ही आपका पौधा बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। ये देख सकते फ्रेंड, एक ये मैंने किया है, एक ये किया है और एक ये किया है, एक ये किया है। इस तरीके से आप पॉट में होल करेंगे तो आपका पौधे का पानी आसानी से निकल जाएगा। और इसको बीच में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं फ्रेंड, इतने से ही आपका पौधा बहुत ग्रो होगा। और इसमें मैं लगा के देखूँ, मेन पानी आपका रुकना नहीं चाहिए, तो इसमें पानी नहीं रुकेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया हो गया, और कितने सारे डिब्बे मैं अभी तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो इस तरीके से आप कई सारे अपने पौधे घर में के वेस्ट से ही लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैंने डिब्बे में छेद कर दिया है, ये देखिए। फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, छेद तो कर दिए, लेकिन आप अगर इसको अंदर रूम में भी रखना चाहते हैं तो ये जो ढक्कन होता है फ्रेंड, इस ढक्कन को भी आप फेंकिएगा नहीं। जैसे होता है ना, गमले के नीचे आपको कुछ रखना है तो ये आपको गमले के नीचे रखने का काम करेगा। अगर आप रूम में रखना चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि पानी जो होगा थोड़ा बहुत निकलेगा, वो इस ढक्कन में ही रह जाएगा और आपका घर रूम गंदा नहीं होगा। तो फिर ये सब छोटी छोटी जानकारियां अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। अब फिर इसमें मैं पौधा लगा के भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ छत पे, और देखिए छत पे फ्लावरिंग मेरी बहुत अच्छी हो रही है गुड़हल की। तो फ्रेंड, मैंने कहा था ना कि ये लगाने के लिए पौधा, फ्रेंड दो ठो मैंने पौधा खरीदा है ये नर्सरी से गेंदे का, तो यही दोनों पौधे मैं लगाऊंगी इसमें। ये देखिए, इसमें इसलिए लगाऊंगी क्योंकि गेंदा जो है कम जगह में ही बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो मैंने दो ही पौधा लिया फ्रेंड, कि मतलब जितने मेरे पास पॉट हों उतने ही मैं प्लांट लूँ ताकि लगा सकूँ। इस तरीके के डिब्बे तो हमेशा मेरे घर में आते ही रहते हैं और यूज भी होते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो वाला डिब्बा है, तो उसी में मैं आज गेंदे को लगाऊँगी और दिखाऊँगी। फ्रेंड, गेंदा के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई खाद डालने की। फिलहाल फिर अभी मैं जो लगा रही हूँ गोबर की खाद और मिट्टी जो है मेरे पास, उसी में मैं इसको लगाऊंगी और मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, गमले मेरे खाली हो जाते हैं और उसमें मैं गोबर हुआ खाद हुआ मिला के रख देती हूँ, वही है फ्रेंड। ये देखिए,
ये मेरे गमले की मिट्टी है, इसमें बस गोबर की खाद मिला करके मैंने इसको ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ। बस फ्रेंड नॉर्मल है, गेंदा का आप पौधा आराम से लगा सकते हैं, ये सबसे कम खर्च में गेंदे का पौधा लगने वाला है। जब कम खर्च में ही पौधे अच्छे से तैयार होते हैं वो बात की बात ही अलग होती है। फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं भरेंगे क्योंकि अभी इसमें भी देखिए मिट्टी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं भरेंगे, थोड़ा ही मिट्टी डालेंगे इसमें। फ्रेंड इसको मुझे दिया है 15-15 रुपए का उसने, देखिए फ्रेंड ये मैंने मिट्टी डाल दिया, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी तो फ्रेंड बारिश इतनी हो रही है कि एकदम इजीली ये देखिए निकल जा रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए। फ्रेंड जब भी आप लगाइए गमले को इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी को खोल दीजिएगा ताकि आप आसानी से लगा सकें। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको लगा दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड, इसको लगाने के बाद आप थोड़ा गमला अपना खाली ज़रूर रखिएगा, इसलिए खाली रखिएगा, अगर खाली गमला रखेंगे तो आपका जो खाद डालना होगा आप आसानी से खाद डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा खाली गमला रखिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड इसको भी करेंगे, ये देखिए बारिश के दिनों में पौधों की मिट्टियाँ एकदम गीली हो जाती हैं इसी टाइप से। इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ लेंगे फ्रेंड ताकि ये पौधा अच्छे से सेट हो जाए इसमें। ये देखिए फ्रेंड दो पौधा मैंने लगा दिया, और देखिए पॉट की साइज़ तो आप देख ही सकते हैं। इस तरीके से आप कभी भी अपने गमले को में लगा सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके ड्रेनेज भी सिस्टम बहुत अच्छे से हो गए हैं।